नमस्कार दोस्तों, मैं परेश पीबी न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन में आपके फोटो को एडिट करते होंगे, लेकिन आज का फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन एक बार जरूर देख के जाइएगा और इसमें जो एडिटिंग होती है वो जरूर सीख के जाइएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में एडिटिंग बहुत ही अलग टाइप में होती है। आपको करना कुछ नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपने पास एक फोटो होना जरूरी है आपके पास। उसके अलावा जो भी करेगा ये सब कुछ एप्लीकेशन करेगा, आपको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे ढेरों सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, दुनिया भर के इफेक्ट्स मिल जाते हैं, इसमें आप एडिट कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि इतने इफेक्ट्स और मैं दुनिया भर के बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सपोज हम लो रोमांस में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आप गिनती नहीं कर सकते इतने टाइप के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत टाइप के इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। इस तरह के आपको बहुत सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी, विदाउट इंटरनेट ये काम नहीं करेगा। और जब आप उसको रिफ्रेश करते जाओगे तो इसमें रोज़ाना अलग अलग टाइप से इफ़ेक्ट्स आते जाएंगे और आप अलग अलग टाइप में इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ढेरों सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आपको जो इफेक्ट्स पसंद होगा उस इफेक्ट्स में आप अपना फ़ोटो लगा सकते हो। अभी आप फ़ोटो कैसे लगा सकते हो तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। सिंपली मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, इस फोटो को लेता हूँ मैं हार्ड फ्रेम करके। इसमें मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ मेरी गैलरी से। तो यहाँ पर मैं सिंपली गैलरी क्लिक करूंगा, एक एक्ट्रेसेस का फोटो ले लूंगा। लेने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोलता है कि आपको कितना फोटो लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है 1% से 100% तक। ये पूरा 100% होने के बाद आपका जो फोटो है वहाँ पे उस फोटो के जगह आपका जो भी फोटो होगा वहाँ पे ये फोटो लग जाएगा। और वो लगने के बाद कैसे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप खुद एक बार देख लीजिएगा कि उसका इफेक्ट कितना अच्छा दिखता है। और वो ऐसा नहीं लगता फ्रेंड्स कि इसमें कुछ एडिटिंग की गई। देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही ओरिजिनल लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ हमने एडिटिंग की या कुछ किया। आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, अलग अलग फिल्टर डाल सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट ब्रश वगैरह आप यहाँ पे सब कुछ दिया गया है आपको। आप उस हिसाब से आपके फोटो को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और आपको और भी इफेक्ट चाहिए होगे तो और भी इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप जिस इफेक्ट में चाहते हो अपने फोटो को ऐड करना उस इफेक्ट में आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। सपोज़ इस इफेक्ट में मैं एक और एक्टर का फोटो डालना चाहता हूँ तो इसमें देखिएगा फोटो, एक बार मैं इस एक्ट्रेस का फोटो ले लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फोटो है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल यहाँ पे इस एप्लीकेशन में एडिटिंग नहीं किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल बनाया गया है किसी फोटोशॉप के बड़े एप्लीकेशन से। लेकिन ये तो होगा आपके मोबाइल से और बहुत ही जेन्युइन लगेगा, सामने वाला देख के इसको हैरान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन ही इतनी बेहतरीन है कि सामने वाला देख के इसको पागल हो जाएगा। आपके पास जैसे ही फोटो होंगे वैसे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स इसमें आप दे सकते हो। फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ढेरों सारे यहाँ पे फिल्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जिस टाइप का फिल्टर चाहिए होगा उस टाइप के फिल्टर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप इसको सेव कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट आपको कुछ डालना होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप डालिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पे मत डालिएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। टेक्स्ट डालने के बाद एक ऐसा दिखता है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये हो गया हमारा फोटो रेडी। और इसको आप डायरेक्टली आपकी गैलरी में सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप इसको कहीं पे भी अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो। सिंपली मैं शेयर के बटन पे क्लिक करूँगा और शेयर के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। और आपकी गैलरी में सेव करना होगा तो ये फीचर को आपको शेयर के बटन के बाजू में क्लिक करना है और ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी गैलरी में ये फोटो अभी सेव हो गए हैं। इस तरह से सिंपल तरीके से आप फोटो को एडिट कर सकते हो बिना किसी झोल के, बिना किसी एडिटिंग के। आपको सिंपल तरीके से ये फोटो एडिटिंग हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छा दिख रहा है एडिट होकर। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर से इसको एडिट किया गया है, लेकिन ये होगा तो आपके मोबाइल से फ्रेंड। इसमें ढेरों सारे इफेक्ट्स है, आप उसको भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स एक एक करके। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।